आदरणीय सम्मानित मंच के साथी और तमाम प्रांतों से जो लोग आए हैं, ये अच्छी बात है। और मैं रावण साहब को आदर्श मानता हूँ। इन्होंने जो जो समाज में कोई समस्या आई है उसके लिए खुल के लड़ाई लड़ी है, और हम लोगों ने महापुरुषों से ही सीखा है। और हमारे जो समाज में जिस तरह का काम इन लोगों ने दिया, चाहे शिविर का काम हो या और तरह का काम हो, हमारे लोगों को षड्यंत्र के माध्यम से इन लोगों ने फंसाया है। और जब जब ये समाज, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा नारा बच्चा बच्चा भीम का, रावण साहब की टीम का, ये जो सोच है, देखो साहब, साहब काशीराम एक बात कहते थे, काशीराम साहब एक बात कहते थे, बोलो भाई पहले तुम बोलो, बोलो भाई और बोलो। साहब काशीराम एक बात कहते थे भाई, अगर आदमी पसंद नहीं छोड़ दो, अगर संगठन पसंद नहीं छोड़ दो, लेकिन विचारधारा के साथ हमेशा रहना चाहिए। और जो रावण साहब की विचारधारा है वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा थी, मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा थी। हम लोग उन लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने इस देश का निर्माण किया है। अगर बात करें राम की, अगर वाल्मीकि भगवान ना होते तो इनका राम कहां से आता, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते संविधान कहां से आता, और हम लोग मजदूर गरीब गुरबा कमेरा समाज ना होता तो इनके बड़े बड़े आलिशान महल कहां से बनते। ये सारी चीज हमारे देन है। लेकिन इस देश में जो दो विचारधाराएं चलती है, एक पाखंडवाद चलता है, अम्बेडकरवाद चलता है, जिस बात के लिए मैं जाना भी जाता हूं, ये जो हमारा देश, अगर हम संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर जंतर मंतर पे, तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की वजह से हम लोग संगठित है और संघर्ष कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से। लेकिन एक जो मानसिक गुलाम बनाने का काम धर्म में किया जाता है, जो पाखंडवाद की विचारधारा है, उसके हम हमेशा खिलाफ रहते हैं, क्योंकि धर्म ने हमारा कभी भला नहीं किया। अगर हमारा भला किसी ने किया है तो अम्बेडकरवाद ने किया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, मान्यवर साहब काशीराम ने किया है। ये सोच जब तक हम लोग, ये अच्छी बात है कि 2 अप्रैल के बाद इस वाल्मीकि समाज में जो चेतना आई है, जो अम्बेडकरवाद का प्रचार और प्रसार हुआ है, सारी राजनीतिक पार्टियों की छड़ें हिल गई है, सबको पता चल गया कि इस देश का बहुत बड़ा भाग, जो इस देश में 30 करोड़ के करीब जनसंख्या वाल्मीकि समाज की, और हमारी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, सुपर कम्युनिटी जो इन लोगों ने हमें बनाया है। और आपको बताओ कि आपके बिना सरकार नहीं बनती, चाहे देश की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो। वो कहते हैं दो बातें हो सकती है सनम तेरे करार की, एक तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह है, ये प्रतीक है कि वाल्मीकि समाज के बिना दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती। और जो टोपी है सर पे, जो टोपी पहने किन लोगों ने, वो प्रतीक है उसी गांधी का जो अम्बेडकर के खिलाफ था। तो एक तारी वर्षित टोपी लगाई है भाई, बाबा साहब अम्बेडकर वर्षित गांधी लगाई है। आप अपने दुश्मनों के सामने दया प्रदर्शन कर रहे हो, इन दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा आप लोगों को, और राजनीतिक रूप से आपको सक्षम होना पड़ेगा। और मैंने तो कसम खाई है, आजीवन किसी बढ़िया पार्टी ठाकुर की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई साहब काशीराम की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर लेके जाएंगे। पूरे देश में इस वाल्मीकि समाज में इतनी विचारधारा फैला देनी है कि जब हमारे बच्चे सड़क के गुजरे तो इन मनोवादियों की जड़ें हिल जाए और ये लोग ये देश छोड़ने में मजबूर हो जाए। ये लोग छोड़ के वैसे ही भाग रहे है ना। और वाल्मीकि समाज तो एक ऐसा इकलौता समाज है इस देश में, इस दुनिया में, हमने हमेशा दिया ही दिया है। अरे हमने इनकी लुवाइयों के जापे काटे, हमने इनके बालक पाले, उनको शिक्षा दी, इस देश को संविधान दिया, बाबा साहब अम्बेडकर वाल्मीकि थे, है ना। और हमारे लोगों के साथ ही उत्पीड़न किया जाता है, हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। और मैं सल्यूट करता हूँ पंजाब की धरती को, जब भी कोई आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से शुरू हुआ, इन दिल्ली के लोगों ने, ये तो दिल्ली में लोग बैठे दलाली कर रहे राजनीतिक पार्टियों की, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लोगों को रोकने का काम किया आज के प्रोग्राम में। ये जो दिल्ली के लोग हैं जो कहते हैं हम नेता हैं, इन लोगों ने प्रोग्राम में लोगों को रोकने का काम किया है ना। हमारा हाउस था विपुल, सदस्यता खत्म हो सकती है मेरी, लेकिन मैं हाउस छोड़ के आपके प्रोग्राम में, मुझे बुलाया था आप लोगों। जब तक त्याग की भावना पैदा नहीं करोगे समाज में, जब तक समर्पण की भावना पैदा नहीं करोगे, हमारा शोषण होता रहेगा भाई।
और राजनीतिक रूप से मैं कल एक शायर की को पढ़ा था किताब, तो उसमें लिखा हुआ था कि सीमा पे तनाव बहुत है, सीमा पे तनाव बहुत है, पता करो कि चुनाव है। ये सारी रणनीतियां सब कुछ जो है ना, आज मोदी पैर दो के पी रहा ना, अरे हम पिले भाई तो हमें पैर दोगे, दो हमारे लोगों का रोजगार पक्के करो, इनकी तनख्वाह दो, ये लोग शहर में न मरे इसका व्यवस्था करो, आप लोग देश के हुक्मरान है, पैर दोने से क्या होगा, ये लोग ड्रामे करेंगे सिर्फ आपकी बात करेंगे, आप तो कभी धर्म के चक्कर में फंसाएंगे, कभी राजनीति के चक्कर में फंसाएंगे, ये चीजों से बचना है आपको। और अपने जो लोग सामाजिक लोग हैं उनकी बातों को याद रखना, और सबका सिरों का नारा चुनाव आने वाला याद रखना, ये वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, है ना। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं भाई, तुम ही लोग सरकार बनाते हो, आप ही लोग सुन के बैठते हो प्रतिनिधियों को, और आपका ही शोषण हो रहा, आप किसके सामने प्रदर्शन कर रहे हो, दुश्मन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे केंद्र मार्च कर रहे हो पाकिस्तान के लिए, अरे केंद्र मार्च नहीं करना, बम फोड़ दो और इस पाकिस्तान को निश्चय नाबूद कर दो, पता चल जाए इसको, तो इन लोगों के सामने प्रदर्शन करना भी व्यर्थ है। अपने समाज को तैयार करो वोट डालने के लिए, और मजबूर कर दो राजनीतिक पार्टियों को कि हमारे लोगों को हिस्सेदारी दे, हमारे लोगों को राजनीति में भागीदारी दे। अरे देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, तुम किस खेत के बने भाई, समझना पड़ेगा ना, ये कैसा देश है ना, ये राम मंदिरों का देश है, राजनांदगांव का देश है, किस दिन आप लोगों ने ठान लिया ये नीला झंडा है, नीले तो आसमान में जिस दिन आप लोग लहराओगे और देश के संसद में लहराओगे, मिशनरी साथियों को भेजोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक दे। मैंने कहा था दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल तेरी औकात नहीं, मुझे चुनाव लड़ोगे, विधानसभा में चुनाव की बाबा साहब देखे गए हैं इसलिए मुझे टिकट मिला। अरे संदीप पाल जी की नहीं आता तो कोई चुनाव आता, कोई धारक आता, कोई खटी आता, कोई पारसी आता, तेल आता, तमोल आता, कोई भी आता, तेरी औकात है हमें जनसी पड़ रहा है। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग बैठे हैं इन पार्टियों में, ये कांचे के कुत्ते की तरह इनका मालिक कहता भोगते हैं, इनका मालिक कहता काटते हैं, लोग इन लोगों की औकात नहीं अपनी लड़ाई के लिए सिफारिश करते हैं लोग, ये राजनीतिक भेड़िए हैं, नुक्त के लिए सामाजिक दलाल है, मैं खुल के कहता हम भी दलाल है, और जितने पार्टियों में लोग बैठे हैं सब दलाली कर रहे हैं, अरे वो समाज सेवा कर रहे हैं, जैसे लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, और ये सब चोर से धान की वजह से संसद में बैठे हैं, राज्यों में बैठे हैं, ये ऐसा आराम से कोटी बंगलों में रह रहे हैं, और हमारे लोग शहरों में रहे, ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को। और इतनी ज्यादा संख्या में पंजाब में लोग हैं, और मैं तो कहता हूँ नायर साहब को, आप सारे लोग इकट्ठा हो जाओ, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टी में हो, इनको धूल चटाएंगे दिल्ली में, सुनताएंगे इन लोगों को, आप लोग मार्गदर्शन करो। इस दिल्ली में 27% वाले किए हैं, अकेले पाली की सीएम बन सकते हो, अपना 22% सीएम बनता है, लेकिन जो दलाल है ना वो आते हैं चुनाव में आते हैं। अभी राजेश सिलवटिया वाल्मीकि गले वाक अध्यक्ष साहब बना दिया, चुनाव में क्या आता है, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और हम कहते हैं फसना नहीं है, फिर भर जाते हैं हम लोग, ये लोग दाना डालते हैं, पैर धो लिए जी, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, फलाना कर दिया, ढिकना कर दिया। तो आप लोगों को एक शेर के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा, आप लोग समझ जाओ, और एक छोटा सा गाना गाऊंगा, बड़ा अच्छा गाना हो, मैं भी कभी कभी लिख लेता हूँ, बहुत सो लिए यारो अब हम जागेंगे, बहुत रो लिए यारो अब हम जागेंगे, बहुत सो लिए यारो अब हम जागेंगे, अभी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे, बाबा साहब और कसीराम तुझे दे रहे हैं आवाज, तोड़ बुनियाद की जंजीरे कुचलते हैं मन रात रात, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, मेरी सोने की चिड़िया लूट ली इन दलालों ने, देश रौंदने वाले बड़े बड़े खानदानों ने, अरे मौका है बर्जनो मौका मत खोना, इस बार चूक गए तो फिर किस्मत में मत रोना, वोट पहाड़ के नीचे वोट बनी हथियार, बाबा साहब का दिया हुआ है ये अनमोल उपहार, बर्ज तक तो आने वाली है तेरी सरकार, तोड़ गुलामी की जंजीरे कुचल दे मनवाज, ला दे इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, अरे जिंदगी की कीमत वसूल हो जाए अगर देश के कोने कोने में काशीराम नाम का बीज लग जाए, बुजदिलों का जीना भी कोई जीना है, संदीप मरे तो उसके नाम के आगे जय भीम लग जाए, जय भीम जय भारत।